खबर ऐसा से आ रही है जहां पर बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि निरसा में बमबाजी की घटना हुई है और थाने से महज 500 मीटर दूर केवल चोरों ने बमबाजी की है और केवल चोरों ने बमबाजी कर ग्रामीणों की जान ली है। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया है और ये पूरा मामला निरसा थाना क्षेत्र का है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, निरसा से बमबाजी की खबर की आ रही है सामने और बताया जा रहा है कि केवल चोरों ने ये काम किया है, आप इस पर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी काजल, ये निरसा थाना क्षेत्र के ईसीएल मुगमा एरिया की चापापुर कॉलोनी की घटना है जहां पर बीती रात करीब 35 से 40 की संख्या में केवल चोर घुसे थे और जब वो केवल की घटना को अंजाम देकर जा रहे थे तो इस दौरान उन्होंने 2 सुरक्षा गार्डों को भी बंधक बनाकर रख दिया था और जब वो केवल लेके जा रहे थे तो स्थानीय एक युवक वहां पर आसपास से गुजर रहा था जिसको भय दिखाने के लिए उन्होंने बम से प्रहार कर दिया और जिस कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसी को लेकर ग्रामीण जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्रामीणों का कहना है और कुछ ही दूर पर सीआईएसएफ कैंप भी है लेकिन कोई भी इस ओर अग्रसर नहीं है, इतना एक्टिव नहीं है जो रोकथाम किया जाए। संदीप देखिए, ग्रामीणों का प्रबंधन पर आप जी संदीप देखिए 500 मीटर के अंदर ही जहां पर पुलिस थाना है वहां से महज 500 मीटर के अंदर ही ऐसी घटना होना, क्या प्रशासन का भय खत्म होता दिख रहा है? जी, लोगों का कहना है कि प्रशासन का भय खत्म हो गया है, सीआईएसएफ का भय खत्म हो गया है और प्रबंध सबसे मुख्य इसमें कारण प्रबंधन को माना जा रहा है क्योंकि प्रबंधन का सुस्त रवैया है, प्रबंधन एकदम लचर दिख रही है। एक दिन पहले भी ऐसी घटना हुई लेकिन उसके बावजूद प्रबंधन की नींद नहीं खुली और कोई भी नहीं किया गया ऐसी घटना न हो। जी काजल, संदीप, चोरों से निपटने के लिए कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए क्योंकि वहां पर बगल में ही थाना है और थाना से महज दूरी पे ये घटना हुई है तो अक्सर ऐसी घटना होती रहती तो उसको बमबाजी जैसी घटना अंजाम दी गई तो कुछ निपटारे के लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं क्या पुलिस की तरफ से? अभी तक कोई ऐसी पहल नहीं की गई है, हालांकि थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ पहुंचे हुए हैं, भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है और इधर उधर जांच पड़ताल की जा रही है लेकिन अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि जल्द ऐसे अपराधियों को पकड़ा जा सके। जी काजल, और संबंधित थाने ने इस मामले में क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है? थाना के पुलिस वहां पहुंची है तो क्या प्रतिक्रिया है उनकी? अभी तक कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं। जी संदीप, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन।